मैंने तो कहा सुहेल भाई को विवेद अभी 2 दिन तो सारे लगाए हैं, ठीक है चले जाना, लेकिन सुहेल भाई ने जो है ना जाने की तैयारी कर ली है, तो मिलो तो सही अभी उतर आओ मिल तो लो फिर चले जाना। अभी मैंने कहा टाइम जो है 2 घंटे रहते हैं, अब तैयारी करके जाना, हम भी वैसे जा रहे हैं रिश्तेदारों में, हमें इनवाइट किया है जी अफ्तियारी पे, ठीक है। तो मैंने कहा सुहेल भाई को आप भी मेरे साथ चले, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह 2 दिन हमारे पास लगे हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। चले शुक्र है कि अभी शाम होने वाली है, सुहेल भाई अब घर ना जाए, कहते हैं कि अभी 2 दिन लगा दिया ना फिर चलते हैं, पीछे जो है बाइक काम आते है ना। हाँ हाशिम की कॉल आ रही थी, कहता है कि आ जाओ। तो आपको पता है कि अभी पीछे अब्दुल हादी की जो है ना साल गिरा थी, लेकिन सुहेल भाई नहीं आए थे। जब सुहेल भाई घर एंट्री किया इन्होंने, तो इसकी सिस्टर जो है ना नाराज हुई थी, कहती है कि सुहेल आप क्यों नहीं आए, मेरे तो, पास बाइक नहीं थी और बहुत सारे मसले थे। उस टाइम जो है ना सुहेल कहता है कि मुझे बाइक नहीं मिली, पता नहीं फिर अचानक थोड़ा पहले से इंतजाम भी खत्म हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ सका, पहले से थोड़ा इंतजाम कर लेता ना तो फिर प्रॉब्लम ना होती, फिर जो है ना बंदा आ जाता। लेकिन एंड टाइम पे जो है ना जिसको इन्होंने कहा हुआ था कि मुझे बाइक देनी है, वो भी दोस्त है ना, लेकिन मेरा दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह व्यास बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे जो भी चीज जब मांगू ना वो मुझे मिल जाती है, ठीक है, चाहे बाइक हो चाहे जो भी चीज हो, मैं ये है कि उसको कह पहले देता हूँ ना, 1-2 दिन पहले कह दूंगा कि भाई मुझे आपकी कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो वो पहले मिल जाती है। तो अभी बस सुहेल भाई को अल्लाह हाफिज करते हैं, उसके बाद जो है ना हम अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है, हम जो है ना फैमिली हमारी निकलती है उधर, ठीक है, आज उधर जो है ना जाते हैं तैयारी करते हैं, हाँ उधर जाते हैं तैयारी करते हैं, और बस ठीक है सुहेल भाई आप अपना ख्याल रखना, जाएं खैरियत से जाएं, और ठीक है, हाँ ईद पे इंशाल्लाह हम जो है ना ईद पे हम, हाँ सुहेल भाई आ जाएंगे तो हम साथ जाएंगे, ठीक है ऐसा प्लान कर लेते हैं। रिमशा भी हाशिम ये फैमिली उधर से आएगी ना, भी बस उधर से ये फैमिली आएगी, फिर वापसी पे जब हम जाएंगे, हो सकते हैं वापसी पे ना जाएं क्योंकि 1-2 दिन जो है ना आगे का टूर है, आगे का टूर है, कोई सवारी बनाएंगे इस दफा प्लान किया, कोई अच्छी सी कोई सवारी बनाएंगे, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, फैमिली को घुमाएंगे फिर आएंगे, उसके बाद जो है ना फिर इनके साथ जाएंगे, ठीक है। सुहेल भाई अपना ख्याल रखना और टाइम से जो है पहुंचना, रोज एक ही टाइम, परसों वाले दिन रोज है, अभी तैयारी कर रहे तो सुहेल भाई पहुंचे थे। हाँ सुहेल भाई ने सरप्राइज दिया कि लेट हो जाऊंगा, चलो पहुंच जाओगे, नहीं टाइम पड़ा हुआ है। तो अभी सुहेल ने जूती, हमने जूती ली है सुहेल ने और मैंने ना, मेरी पड़ी हुई है, मैं आपको मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है अब्दुल हादी के कपड़े, हाँ। और मैंने अपनी जूती ली है, तो मैं आपको बाद में कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा, हाँ, तो चलो चले ठीक है, हाँ बस ख्याल से जाना, रिमशा आप ही को भी सलाम देना और हाशिम भाई को भी, और दूसरा आशा को प्यार देना, मेरी प्यारी भांजी को, ठीक है ना, हाँ इंशाल्लाह। बस अभी जो है ना आपको मैं ईद ही दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं शायद ईद पे आऊँ या ना आऊँ, इसलिए एडवांस मेरी तरफ से ये ईद ही है भाई, अपने पास रखें। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये पैसे वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो एक प्यार होता है ना, क्या बात है, देखे ना मेरे भाई कितने अच्छे हैं, ईद आने से पहले इन्होंने मुझे ईद ही दे दिया, देखे मुझे तो कुछ नहीं मिला, अब मुझे दो ईद, मुझे तो कुछ नहीं मिला, फौजिया की तो मौजे होगी, ये तो खुशी की बात होती है ना, ईद जब आएगी आएगी, पहले भाई ने पहले मुझे दे दिया, वैसे फौजिया का आके नहीं बनता था, एक दो दवा तो कहती कि रहने दो एक दो उसने कहा है, दूसरी दवा ऐसे पकड़ के ना, तो बात है, मुझे पता है ना भाई ने मुझे खुशी से दिया इसलिए तो मैंने दे दिया। अच्छा चलो ये बात तो है जी, भाई ने खुशी से दिया, तो चले जी अल्लाह पाक आपकी नसीब करे, आमीन। बाद में जहाँ रखना मुझे बता देना रखने का, आप उठा कोई बात नहीं है, हाँ नहीं नहीं मैंने भी बस क्या करना है, उठाएगी, आपको पता है कि मैं जो भी चीज लेके आता हूँ तो मैं घर वालों के लिए लेके आता हूँ ना, तो ये फिर बाद में बहुत ही मुझे कहेगी कि आप जो है ना कोई चीज ले आए, बाकी इसकी मर्जी है, भाई ने ईद दी है, अच्छा लगता है, यही तो रिश्ते होते हैं, देखिए बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता,
और आप विवश ने भी मुझे ईद देनी है। हाँ। अभी ईद करीब आ गई है, मेरे फैन भाई देखने हाँ। वाले मुझे भी अभी देखे फौजिया को तो ईद हाँ। मिल गई है, मुझे नहीं ईद मिली। जो मेरी बहने हैं, जो मेरी फैमिली है मुझे देखती है ना, मैं ईद ही लूंगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं रूठ जाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। हाँ, मैं ईद ही लूंगा। आप लोगों ने मुझे ईद ही जरूर देनी है, जो जिसका दिल करे। मैं ये नहीं है जबरदस्ती ऐसा संभल ले। खुशी की बात है विवेक, खुशी की बात है, कहना मेरा हक बनता है, बाकी जो जिसका दिल करे। सब काम जो है खत्म करके आज इफ्तारी के लिए जा रहे हैं। इफ्तारी कहाँ पर है, क्योंकि जहाँ पर हम सवेरा सिस्टर की शादी का है ना, उन्होंने वहाँ जो है इफ्तारी है, उन्होंने बुलाया, तो वहीं अभी जा रहे हैं। तो अम्मी अबू जो है इधर रह जाएंगे और सुहाना और मैं इनके भाई बाकी फैमिली जो है सब जाएंगी। तो माशाल्लाह से इधर देखे ना, सब लकड़ियाँ जो है हमने उठा के एक जगह पे इकट्ठी कर लिया और इधर सारी सफाई कर दी है। हाँ, ये वाला साइन था ना हमारा, तो इसमें लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ थी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा ही सफाई हो गई है। माशाल्लाह, काफी सारी सफाई कर ली है। आप देख रहे होंगे कि आज हमने भाभी और मैंने न्यू शर्ट पहना है, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं ना तैयारी के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह सुहाना तो आज बहुत ही ज्यादा मजेदार तैयारी लग रही है। भाभी आप भी कुछ कम नहीं लग रही है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी चल के थोड़ा सा जो है हल्का हल्का मेकअप करते हैं। हाँ। फिर अब हादी को भी तैयार करते हैं और सब तैयार होकर ना तैयारी हाँ। के लिए भी चलते हैं। चले ये लेके आ जाए सोना लगे। चले अभी मैं लगनी है बना लूँ, उठा के आ रही। हाँ। मैं जो है कपड़े अभी कुछ रख दूँ, फिर काम था शाम खत्म करके फिर चलते हैं। लकड़ी पड़ी हुई है सोना, ये भी अभी रख, क्योंकि व्यास अभी तैयारी के लिए जाएंगे ना, हमने सोचा काफी लेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आए तो काम शाम जो है सारा ख़त्म करके जाएंगे ना अभी, और अम्मी को जो है कोई काम का मसला ना हो। चले तो अभी माशाल्लाह विवेक हम जो है दावत वाले घर पहुंच गए हैं। तो पहले जो है ना रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, रोज़ा खोलने के बाद जो है ना फिर आपको पूरे घर का विजिट कराएंगे, क्योंकि इस टाइम जो आपके भाई की सुजीशन है ना बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। हाँ, सबकी ऐसी हालत है। तो पहले सुकून से बैठ के रोजा खोलते हैं, उसके बाद जो है ना आप अब्दुल हादी की तैयारी में क्या है वो भी आपको। माशाल्लाह अब्दुल हादी बहुत प्यारा लग रहा है, आज तो हादी बेटा बहुत प्यारा, आ जाओ। तो अभी माशाल्लाह बस देखें फ्रूट वगैरह, खजूर वगैरह, राइस वगैरह भी आ गए, तो टाइम जो है अभी रह गया है माशाल्लाह 5 से 7 मिनट रह गए, ठीक है। तो रोजा खोल दो अच्छा शोर शराबा हुआ, क्योंकि साथ में और भी मेहमान वगैरह आए हुए हैं, और जो बच्चे होते हैं ना बच्चों का ज्यादा शोर होता है, ठीक है। तो अभी माशाल्लाह विवेक आ गया था उसी अम्मी के पास, उसी जो है भाई के पास जो के मजदूर थे, ठीक है, जिसकी पहले मैं वीडियो बना के गया था। तो इनके लिए जो है ना चेयर आई है, किसी फैमिली ने भेजी है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और ये एक फोल्डिंग वाली, मैं सीधे ही आपको बताता हूँ कि फोल्डिंग वाला बाथरूम है ऐसा सब मैंने, ठीक है, इसमें बैठ के इजीली ये तंग होते थे, और वैसे भी इनका बाथरूम नहीं है, ठीक है, और बाथरूम इनका बन जाए तो फायदा है, लेकिन इनका बाथरूम भी नहीं है, तो ये चेयर आई है, ठीक है। तो अभी जो व्हील चेयर आई है वो खोल के दिखाता हूँ आपको, लेके आ गया थे। आओ अम्मा आओ, देखो जेड़ा तुसा चाह के ना मोंडे ते तंग थिंदे वे होने, तुसा पिछू रेड़ी वदे रासो ना, ए चलो वदे रासो, ठीक है, दे बाकी इंदे माशाल्लाह हाथ दे ठीक है ना, ए चला भी सकदे, खड़ो खड़ो मैं खोलता हूं। लाओ जाई गोते, हां बिठाते हैं बिठाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये इस तरीके से फिट हो गई है, ये पांव रखने वाली जगह है, ठीक है, साइडों पे ना लाख लगे हुए हैं, इसको खोल दें,
तो ये चलती है, इसको लोक भी कर सकते हैं, कहीं रोकना हो रोक सकते हैं। चलो आओ फिलहाल इनको किधर बैठ वैसे जे जे कल आराम करे पागल तू कर। ख्याल से ख्याल से उतु पकड़ो उतु। ए बस ठीक है ठीक है बस ठीक है बस ठीक है। अभी देखें सही है। अच्छा अभी ना इसको इजीली आप कहीं भी घर में लेके जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ मर्जी ये फिरता रहे, खुद भी चला सकता है, ठीक है ना। हाँ ना करो ना करो ना करो गिर जाएगा। हाँ बस ठीक है बस ठीक है। अभी तो छोड़ दो छोड़ दो। चलो चलो ठीक है इजी है। यही मालूम है ना यही था ना अंदर फिर अंदर वाला उसे यही था जितना मर्जी रख मैं जितना तारे पैर सही रख रहा हूँ। चलो आप बैठ जाओ बच्चे इधर आ जाओ बच्चे सारे इधर बैठ जाओ चार पाई पे बैठ जाओ सारे बच्चे बैठ जाओ इधर। शाबाश शाबाश समझदार है। अम्मी दुआ करो चाहे जिन्होंने भेजी है अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे, ठीक है। चलो ये तुम्हारे वास्ते हम बहुत आसानी थी गई है तो सब तंग थी आवे चेंदे आवे बिलहेंदे आवे रखेंदे आवे, ठीक है ना। दे हम आसानी थी गई है। हाँ भाई दुआ करें दे चाहे तुम दुआ करो चाहे अल्लाह पाक गुना को सलामत रखे जिन्होंने एक हैं के दिते। अल्लाह हु अमीन अल्लाह हु अमीन। देखिए अभी जो है ना भाई को बिठाया है ऊपर, ठीक है, तो इजीली हो गए हैं इनके लिए, बहुत आसानी हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा हार्ड होता था। अम्मी इसको उठाती थी बिठाती थी चार पाई पे कितना आप ही मुश्किल था, ठीक है। अभी ये माशाल्लाह बहुत आसान। अम्मी चला के देखो ना हूँ तो सा एक दो चलाओ अम्मी ना आप ही चला के देखती है तो देखें। हाँ अभी जहाँ मर्जी इनको ले जाएँ जैसे मर्जी चलाएँ ये देखें पूरा घर बेशक पूरे घर में जहाँ मर्जी ले जाए बस इधर इधर ही मिलाई आओ अम्मी ही मिलाई आओ इधर ही मिलाई वाली ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अम्मी खुश हुई है भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि कांधों पे उठाने वाला जो है ना इनका मसला हल हो गया, ठीक है ना। बस अल्लाह पाक इनके नसीब करे। तो अभी माशाल्लाह विवेज अमानत दे के घर आ गया था। तो कल आपको पता है कि हमारी अख्तियारी जो है ना ये उधर थी रिश्तेदारों के पास रात में ठहर के आए थे सुबह आ गए थे घर। उनका घर आपको विजिट नहीं करा सके क्योंकि रात हो गई थी रोज़ा खोला था तो बैठ के बातें करने लग गए तो सुबह फर्स्ट टाइम ही निकल आए इसलिए फिर घर नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह अभी वो बन रहा है थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो पूरा विजिट कराऊंगा आपको। यकीन माने जो चेयर मैंने उनको दी है ना वो मुस्तहिक थे इतना ज़्यादा वो खुश हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज मैंने दो जगह पे जो है ना अमानत दी है तो कल वाली वीडियो में आप देखना इंशाल्लाह वो भी कल वाली वीडियो में लगाऊंगा। बस अभी तैयारी वगैरह कर ली है सुहाना भी और फौजिया भी साथ में सारे साथ में बैठ गए हैं और जबान मेरा साथ नहीं दे रही क्योंकि इस टाइम जो है ना लास्ट वक्त होता है लास्ट पल होते हैं लास्ट सेकेंड होती है कि बंदे का ना बस हो जाती है इस टाइम में। बस इस टाइम अफ्तियारी का जो है ना टाइम हो जाता है तो बस इंतज़ार होती है कि कब मौलाना साहब जो है हमें कहें कि आप बिस्मिल्लाह करके रोज़ा खोलें तो हम शुरू करें। समोसे पकोड़े उधर से ले आता हूँ
और इधर चटनी वगैरह बना लेते हैं, पानी वगैरह बना लिया है। और सालन में क्या बनाया है फौजिया, दिखाती है आलू मटर गोभी। हाँ दिखा दो ना, सालन देख भी लो कैसे बना है, दम पे लगाया हुआ था, मैं ये मिक्स करता हूँ। ये देखिए जी भी, इधर मेरा सालन आ रही है।